वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो क्योंकि वेडिंग सीजन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम सब चाहते हैं कि हम अब सब अपने आप को थोड़ा ग्रूम अप रखें, थोड़ा ज़्यादा प्रिटी बनाए, जैसे ही कोई भी फंक्शन या शादी वगैरह कुछ भी आता है हमारे घर पे या हमें किसी पे अटेंड करना है तो हम सब चाहते हैं कि हम थोड़ा पुट टुगेदर एंड वेल मेंटेन लगे। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा क्रिएटिव लाइफ एंड दिस इज़ मी योर नेहा। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और वापस आ गई हूँ एक हेयर केयर टिप रेमेडी लेकर। तो इस बार मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना हेयर केयर मास्क। इस मास्क पे आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और बिल्कुल आपको किचन में ही मिल जाने वाले इंग्रेडिएंट्स से आप बना सकते हैं ये हेयर मास्क और आपको मिल सकता है बहुत ही ग्लॉसी शाइनी और सॉफ्ट हेयर। तो इस मास्क में क्योंकि एग्स होंगे, बनाना होगा, तो बहुत ज़्यादा आपके हेयर फॉलिकल को प्रोटीन देता है, सॉफ्टन अप करता है और नरिश देता है। क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है स्कैल्प और हेयर आपका बिल्कुल मॉइस्चर उड़ने लगता है, तो आपको एक फूड की ज़रूरत होती है जो उसमें वापस से प्रोटीन डाले, जान डाले आपके हेयर पर। और इसलिए ये हेयर मास्क मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, यूज़ करके अपने हेयर में वापस से वो शाइन, वो ग्लॉस और सिल्कीनेस वापस ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मास्क को बनाने का तरीका। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्लेंडिंग जार पर ले लीजिए 2 राइप बनानास। आप अपने हेयर के लेंथ के अनुसार क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर तो कम लीजिएगा और लॉन्ग हेयर तो बहुत ज़्यादा लीजिएगा। और उसके बाद आपको राइप बनानास ही लेना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा राइपन हो जाए वो उतनी ही अच्छी बात होगी। और उसके बाद आप एग वाइट्स ऐड कर लीजिए, उसमें आप ऐड कर लीजिए 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल, देन लाइम जूस और फिर ये फाइनल एंड मेन इंग्रेडिएंट है मेयोनेज। मेयोनेज नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए या ऑलिव ऑयल ऐड कर लीजिए, कोई बात नहीं है, आप कोई भी इंग्रेडिएंट स्किप कर सकते हैं या उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके ऐसा एक पेस्ट मास्क टाइप का तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे पूरे रूट से टिप्स तक मास्क की तरह अप्लाई करके अपने हेयर पर छोड़ देंगे। तो अप्लाई जब आप करते हैं तो हेयर को बहुत अच्छे से बीच से पार्टीशन कर करके करिएगा अप्लाई, ताकि आपकी रूट्स तक पहुँचे। क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल हैंडेडली अप्लाई कर रही थी तो मैंने ऊपर से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ तो ये मुझे हैबिचुएटेड है। पर अगर आप किसी की मदद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसी तरह आप पूरे हेयर पर अप्लाई कर लीजिए, एक मास कंसिस्टेंसी पर अप्लाई करके उसे फोल्ड करके रख दीजिए हेयर को। 1 से 1.5 घंटा अपने हेयर में नरिशमेंट होने दीजिए, अच्छे से स्कैल्प में मसाज कर लीजिए। 1 से 1.5 घंटा अच्छे से नरिश हो जाएगा आपका हेयर, उसे तब तक बांध के रखिए एंड देन वॉश करिएगा। वॉश जब आप करेंगे तो प्लेन वाटर से वॉश करिएगा एंड देन यूज माइल्ड शैम्पू। बहुत ज्यादा प्लेन कर रही थी यहां पे कि कितनी देर के लिए आपको अगेन हार्श एंड ड्राई कर देगा आपके हेयर को। वॉश करने के बाद आप शैम्पू कंडीशन करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली सीरम लगाना मत भूलिएगा। इस मास्क के इंस्टेंट एप्लीकेशन से आपका हेयर सॉफ्टन अप हो जाएगा फर्स्ट यूज़ से ही। पर आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो गया है तो उसे रिपेयर करने के लिए आपको इस मास्क को एटलीस्ट वीक में एक बार कर ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके हेयर लॉन्ग है या इफ़ एट ऑल आपको टाइम नहीं मिलता है, तो भी मंथली आप 2 बार एटलीस्ट कोशिश करिए। समर्स में तो ये ईजी होता है क्योंकि आपको बार बार हेयर धोने में कोई ठंडी नहीं लगता, परेशानी नहीं होती, पर ये विंटर्स में आप इतने ज़्यादा बार नहीं कर पाएंगे रिपीट। तो यस, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 2 बार एटलीस्ट मंथ में ये ट्राई करिए और इसके बाद आपको सिर्फ 1 मंथ में ही रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। अगर आप वीक में करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अगर किसी के पास समय नहीं होता है तो भी आप अगर इसे मंथ में 2 बार करते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाता है, बाउंस आ जाता है हेयर पर। यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंटली चेंज नज़र आने लगता है आपके हेयर पर, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये बिल्कुल अंडर नरिश्ड है या फिर ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली ये सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाता है।
हेयर। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा ये हेयर रेमेडी कैसा लगा, और ये क्योंकि बहुत इजी है तो इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, पर क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग थे तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। अगर आपको थोड़ा लेना है कि आपके हेयर शॉर्ट है तो आप थोड़ा ले सकते हैं। मेयोनीज़ नहीं है तो उसे आप स्किप कर दीजिए, कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता है तो उसे स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, कोई इसमें बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है। सिर्फ एग और बनाना से भी आप कर सकते हैं तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। एग्स जो होते हैं, एग वाइट स्पेशली आपके हेयर में बहुत ज़्यादा वो आपका हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है, अंडर नरिश्ड हेयर को नरिश्ड करता है और मॉइस्चर लॉक करता है आपके हेयर पर। और उसी तरह बनाना में बहुत हाई प्रोटीन होता है तो वो भी आपके हेयर को सिल्की और स्मूथनेस वापस लाने में हेल्प करता है। इसमें मैंने मेयोनीज इसलिए डाला है क्योंकि मेयोनीज में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपके मॉइस्चर का, हेयर का मॉइस्चर रीगेन कराता है और हेयर को बाउंसी एंड लेंदी बनाने में हेल्प करता है। लाइम जूस जो भी हिडन डैंड्रफ या स्कैल्प क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड कोकोनट ऑयल हम सबको पता है कि वो हेयर के लिए कितना अच्छा है, नरिशमेंट के लिए कितना अच्छा है और वो प्रोटीन वापस लाता है हेयर का। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जब आप हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, इसे ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1 to 1.5 hours रखना है और इसके बाद आप वॉश कर लीजिए, शैम्पू से आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, कंडीशन कर लीजिए हेयर को, और आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा बाउंस बैक आ चुका है आपके हेयर पर। तो यस, मुझे ट्राई करके कमेंट्स में वापस आकर आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा वो हेयर मास्क, हेयर रेमेडी ट्राई करके आपको कैसा फील हुआ। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक ऑल्सो, यस लाइक माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे गुड, स्टे हैप्पी एंड स्टे प्रिटी। बाय बाय।